पूछो। हाथ ऊपर किसने किया है? पूछो। जी प्रणाम सर। प्रणाम। पूछो। सर ईसीओडी में आवाज आवाज नहीं आ रहा है। ईसीओडी में क्या विचार कर सकते हैं? एक मिनट एक मिनट, मुझे ही नहीं आ रहा है क्या? सभी को आ रहा है आवाज कि मुझे ही कम आ रहा है? सभी को आ रहा है आवाज? आवाज ज्यादा आ रहा है इनका कि आ रहा है? एक मिनट, मेरी सेटिंग में कुछ टर्न ऑफ ऑडियो आउटपुट। अब बोलो। हम कैसे हाँ, बोलो। विचार कर सकते हैं, एमेनोरिया भी है, पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। फिर से क्वेश्चन पूछो, अभी मुझे आवाज आ रही है। सर पीसीओडी में कैसे विचार कर सकते हैं, एमेनोरिया भी है और पीसीओडी भी है, तो इसमें मतलब कैसे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बैक टू बैक 3-4 मंथ्स हो गए हैं। पीसीओडी के लिए हमने बहुत लेक्चर लिए हैं, ये एक लेक्चर में होने वाला टॉपिक नहीं है। डिटेल आप केस हिस्ट्री लोगे ना, तब आपको मैं पॉइंट टू बता सकता हूँ। पीसीओडी में हमें सब विचार करने पड़ते हैं। वो स्त्री है, आर्तव नहीं, उसको रज नहीं हो रहा है। रज नहीं होना मीन्स वो स्त्रीत्व नहीं है उसका, है ना? तो स्त्रीत्व उसको देना चाहिए, उस हिसाब से विचार करना पड़ता है। रस से आर्तव बनता है तो रस धातु का विचार करना पड़ता है। अर्ष गृहिणी जैसे व्याधि है उसमें उदावर्त संप्राप्तियाँ घटती है और योनि व्यापक हो जाते हैं, आर्तव दुष्टि हो जाती है, तो किस वजह से वो हो रहा है पीसीओडी, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए कोई रजचर्या नहीं फॉलो करता, कोई रजचर्या गलत तरीके से फॉलो करता है तो वो उसको ट्रीट करनी पड़ती है। हर एक की ट्रीटमेंट अलग है पीसीओडी की, अगर व्याधि भी एक होगा मॉडर्न के हिसाब से, पर हमारे हिसाब से हर एक की ट्रीटमेंट अलग रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप केस अगर लोगे तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस पेशेंट में किस वजह से पीसीओडी है और इस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये जनरलाइज क्वेश्चन है, पीसीओडी में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके जी सर, तो इस पर मैंने एक 1.5 घंटे का एक लेक्चर दिया है, वो शायद मराठी में है, तो उसका कभी हिंदी में अनुवाद करके दे दूंगा। सर, तो आप मैंने सारा डिटेल लिया हुआ है, आप बताइए। डिटेल सारा कुछ लिया हुआ है, पहले उसकी गृहिणी दुष्टि थी, अब वो ठीक है। और अभी मतलब पहले उसको वो जब आई थी तब मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी उसको, थोड़ा ओवरवेट भी थी, और अभी बिल्कुल मतलब अब तो ऐसा है कि अंडरवेट होने लग गई है। डाइट वगैरह उसका सब बिल्कुल ठीक कर दिया है। पहले थोड़ा सा बाउल का कभी कॉन्स्टिपेटेड, कभी बारी बारी मोशन ऐसे था, अब वो भी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। मॉर्निंग में उठते ही मोशंस आ रहे हैं, सब कुछ करेक्ट हो गया है सर। और डाइट हाँ, तो सब कुछ हो रहा है, तो अभी आपने अपने करेक्ट कर दिया है। हाँ, तो कभी कभार टाइम लगता है, नित्य सुनो, टाइम कभी कभार लगता है। हमें जो एक्सपेक्टेड टाइम रहता है ऐसे नहीं होता, कभी कभी 6 महीने जाते हैं, 1 साल भी जाता है। ठीक है ना, तो उसका वातानुलोमन अच्छा होना चाहिए, अपान क्षेत्र जो है वो अच्छा होना चाहिए, योनि व्यापद में श्रेष्ठ चिकित्सा जो है वो बस्ती है, तो उसका विचार होना चाहिए। तो ऐसे ये सभी एंगल कवर करने चाहिए। ठीक है जी 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 हाँ, तो बस सर वस्ती अगर नहीं मतलब पेशेंट नहीं ले सकता तो नहीं, कैसा है वंधत्व जो है वो बहुदोष अवस्था व्याधि है, शुक्र स्थान पर ही आघात है। ठीक है ना, छोटा रस धातु की दृष्टि नहीं है, रक्त धातु की नहीं है, यहाँ शुक्र धातु की इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुदोष अवस्था हो तो शोधन कर्म दिया है। शोधन किसको देने हैं उसके अगर आप जो क्राइटेरिया देखोगे तो इसमें ये वंध्यत्व सब कुछ आया है। तो इसीलिए ऐसे जो क्रिटिकल केसेस रहते हैं पहले शोधन ये टिकट चिकित्सा रहती है। ठीक है ना, मीन्स शत्रु इतने बड़े पैमाने पर है और आप छोटे से गन से उसको मार रहे हो तो टाइम लगेगा शत्रु मरने, शत्रु को पूरा का पूरा ये करने के लिए, है ना? तो उसके लिए आपको शस्त्र भी उतना बड़ा चाहिए, है ना? अगर दोष दृष्टि बड़ी हो, संप्राप्ति को बहुत टाइम गया हो, है ना, लीन अवस्था है, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है धातुओं की, ये सब कुछ है, तो आपका चिकित्सा कर्म भी शोधन ही होना चाहिए, है ना? पहले
ठीक है सर, थोड़ा सा कभी ट्रीटमेंट प्लान भी आप बताएंगे थोड़ा, भी अभी आप वो डिटेल मेडिसिन केसेस के वगैरह। ग्रुप में डाल दो, उसके हिसाब से बस्ती और ये सब प्लान कर दो, ठीक है? क्योंकि अपान में दुष्टि है, वहाँ श्रोतोरोध है, ठीक है, अपान कक्षा में, तो बस्ती ये बेस्ट ट्रीटमेंट है ना? हाँ, वहाँ शिष्ट है तो बस्ती ये ट्रीटमेंट है, तो बस्ती पहले होनी चाहिए, है ना? फिर बाद में शमन औषधि ये सब कुछ है। हाँ? ठीक है सर, ठीक है ठीक कैसा है, है, कभी कभी ओके। रक्तावृत्त अपान ऐसे होता है, फिर हमने अगर बोल दिया मैंने कि देखो आपको उसको हबया अभया दो अपान काल में, गंधर्वारी तक ही दो या फिर एंड, तो उसको नहीं ट्रीटमेंट सूट होगी, है ना? आप उसको अलग करनी पड़ेगी। इसीलिए ट्रीटमेंट में डायरेक्ट ड्रग क्यों नहीं बोलो, आपको डिटेल आपके पास की केस हिस्ट्री अगर आपने डाल दी तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो गलत ट्रीटमेंट आप दोगे उस पेशेंट को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जी अपने हिसाब से नहीं वो पेशेंट ठीक होगा, है ना? उसको जी जो अगर व्याधि बड़ा हो, संप्राप्ति का समय बड़ा हो, तो टाइम भी लगेगा। ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है सर ओके। जी, थैंक यू सर। केस ग्रुप में डालते जाओ और डिस्कशन करते जाओ, ऐसा नहीं है कि आप केस डालोगे मैं ही आंसर, ऐसा नहीं है, ये ग्रुप इसके लिए बनाए हैं, गलतियां होनी चाहिए, कुछ कुछ नहीं होगा, है ना? अगर कोई लोग क्या सोचते हैं मुझे बोलना है इस केस के बारे में पर कैसे बोलूँ, गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप में ऐसा कोई करेगा नहीं कि आपने ऐसा बोला है ये गलत है, ऐसा कोई ऐसे ही इस हिसाब से ही नहीं है मैंने ये किए हैं, तो आप ओपन हो जाओ। हाँ, आप जब तक बोलोगे नहीं तब को आपको पता नहीं चलेगा कि खुद हम अभी कितना हमें पढ़ाई करनी है, कितनी बची है, कितनी करनी चाहिए, कितने हम बराबर है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, है ना? इसलिए केस डिस्कशन ये अच्छा ये रहता है कि आपको वैरायटी ऑफ केसेस मिलते हैं, वैरायटी ऑफ एंगल आप सोच सकते हैं, है ना? तो इसीलिए ओपन अप हो जाओ, है ना? किसी ने केस डाल दी उस पर डिस्कस कर दो, है ना? मैं ही बोलूँगा, मेरा ही सही, ऐसा नहीं है, हर एक का एंगल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता कि एक ने बताया उसका ही बराबर है, ऐसे भी नहीं होता, अनेकांतवादी आयुर्वेद एक्सेप्ट करता है ना? अगर चक्रदत्त कुछ बोल दिया या फिर अरुणदत्त ने कुछ बोल दिया, हेमाद्री ने कुछ बोल दिया, खरनाथ कुछ बोल दिया, तो कोई भी आचार्य ऐसे नहीं बोलता, नहीं, खरनाथ तुम्हारा गलत है, तुम्हारा अष्टविधि आविर्विपाक गलत है, तुम्हारा ये, ऐसा कोई नहीं बोलता, सब सबने सबका एक्सेप्ट करते हैं और खुद का अच्छा क्या है वो बताते हैं, वैसा ही हमारा रहता है डिस्कशन में। हाँ, कि आप बोलते जाओ किसको, अब इस केस के बारे में ये लगा वो लगा, तो ओपन अप हो जाओ, ठीक है? तब जाके क्या होगा, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी, है ना? हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसीओडी का एक लेक्चर है 1.5 घंटे का, तो वो थोड़ा सुनो। उसमें मैंने बहुत से एंगल कवर किए हैं। बोलो। सर 29 ईयर्स फीमेल है, मैरिड है, 3 साल हो गए शादी को, तो उनको वो इनफर्टिलिटी के लिए आए थे, लेकिन उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि उनको पीसीओडी था ऐसे उन्होंने बताया, और उनको मेंसेस 8-8, 9-9 महीने नहीं आते थे, तो जब हार्मोनल लेते थे तभी आते थे, तो अपने यहाँ पे आने के बाद बस्ती चिकित्सा की उनकी, और शमन मतलब जो दोष शमन की चिकित्सा है वो कंटिन्यू रखी, तो पीरियड्स अभी उनको 2 महीने बाद आए हैं सर, लेकिन ना लास्ट मंथ भी जब आए थे 2 महीने पहले तो स्कैंटी मेंसेस थे, मतलब ड्रॉप ड्रॉप ही दिखता था, और अभी जब आए तभी भी मतलब ड्रॉप ड्रॉप ही दिख रहा है, और पेशेंट को सर श्वेत दुर्गंध बहुत था जब अपने पास आए थे तो, और स्किन इन्फेक्शन भी था, तो मतलब स्थूल थी डार्क पेशेंट। स्किन हो गई सर, बहुत ज्यादा स्थूल तो नहीं बोल सकते, मीडियम ही थी, लेकिन उसकी हाइट कम है, तो और उनको ना बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, तो वो बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहती थी, तो अभी अपने पास जब ट्रीटमेंट शुरू किए तो अभी उनका वो खाना भी कंट्रोल हो गया और श्वेत दुर्गंध भी चला गया है, लेकिन अभी मेंसेस में उनको वो डॉट ही दिखता है। मेंसेस में क्या दिखता है, मतलब ड्रॉप ड्रॉप ब्लीडिंग जो है वो ड्रॉप ड्रॉप ही होती है, ऐसे हेवी फ्लो नहीं होता है, मतलब नॉर्मल फ्लो नहीं होता है। मलबद्धता है क्या सर, बीच बीच में होती है लेकिन रेगुलरली मलबद्धता नहीं है, पहले कॉन्स्टिपेशन होता था। हाँ, लेकिन अभी नहीं है। हाँ, तो बस्ती आपने प्लान किया था क्या, दिया था क्या? हाँ सर, बस्ती का 15 डेज का कोर्स उनका हाँ कम्प्लीट हो चुका तब है, ये होने लगा। हाँ, ठीक है। अभी अभी क्या ट्रीटमेंट चालू है सर? अभी तो वो आई नहीं है, मतलब आज उनका मैसेज आया है कि पीरियड देखो आया है और ड्रॉप ड्रॉप ही ब्लड जा रहा ठीक है, पर है। अभी चालू तो हो गए ना,
जो बंद हाँ, थे, चालू हो गए तो ट्रीटमेंट हाँ। कंटिन्यू करो, धीरे धीरे उसकी ये बढ़ेगी। पांडु है क्या देखो, रसदा तो अच्छा है क्या देखो। हाँ रस धातु में विकृति ये है कि वो बहुत ज्यादा चिंतन करती है और उनको ऐसे है कि किसी वैद्य ने बताया था कि 3 महीने में आपका पूरा प्रॉब्लम चला जाएगा, मतलब उनकी फ्रेंड ही थी एक्चुअली, तो 3 महीने में आपको इनफर्टिलिटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जब हमारे पास आए तो हमने ये बताया कि मैं आपको बोल नहीं सकती कि 3 महीने में होगा, हम ट्राई करेंगे, आपके ऊपर है कि रिजल्ट कब आएगा। तो वो वही क्वेश्चन पूछते है कि मतलब बेबी कब प्लान होगा। ठीक है, तो क्या है आधुनिक वैद्यक शास्त्र में, आधुनिक वैद्यक शास्त्र जो है वो फिजिक्स जैसा है, मैथ्स जैसा है। ठीक है, कि एखादा व्याधि है, ज्वर है, तो उसको पैरासिटामोल दे दो, ज्वर गया, है ना। इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक दे, इन्फेक्शन गया। वैसे ही इनफर्टिलिटी जो ये है केसेस है, वो भी वैसे मैच जैसे देखते हैं कि पीरियड आ गए, ओवुलेटरी साइकिल ठीक है, अभी ओव्यूलेशन हो रहा है, इसका स्पर्म काउंट अच्छा है, तो कंसीव होना चाहिए। पर ये मैथमेटिक्स होता नहीं, नहीं तो IVF IVI के रिजल्ट जो सक्सेस रेट है वो बहुत होता था, क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हैं सब कुछ जो होना चाहिए कंसीव होने के लिए, पर नहीं होता वैसा, इतना वो इजीली मैच नहीं है। क्योंकि गर्भ होना बाकी के जो बीमारियां हैं, और कई आयुर्वेद के कई एंगल जो है इसमें गर्भ की निर्मिति, गर्भ होना, ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये पूर्व जन्मकृत कर्मज ऐसे सभी ऊपर डिपेंड रहता है, ये ध्यान में उसको पेशेंट को डालना चाहिए। ये मैथ्स नहीं है, जैसे आपका स्पर्म काउंट बढ़ गया, इसकी ओव्यूलेशन अच्छी होगी, अब कंसीव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, है ना। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें पेशेंट को, मीन्स दोनों का प्रेम होना, दोनों की इच्छा होना, ये चीज़ें रहती है, ये सभी एंगल। हाँ, पूर्व जन्मकृत कर्म। हाँ, अभी देखो ऐसे बताया है कि कर्मज व्याधि बताया है कि जो हमारे शास्त्र में दी हुई चिकित्सा, अगर आपको मालूम है कि बाबा ये रज दृष्टि का पेशेंट है, ठीक है, और आपने उसको ट्रीटमेंट दे दी, उसकी रज दृष्टि गई, हाँ, उसको शुक्र दृष्टि थी, शुक्र दृष्टि की ट्रीटमेंट दे दी और उसको शुक्र दृष्टि गई, हाँ, अब आपके हिसाब से व्याधि का निराकरण आपने किया, व्याधि उस आपको आपने उस व्याधि को नाश कर दिया ट्रीटमेंट से, चिकित्सा से। तो चिकित्सा से नाश करने के बाद, वो व्याधि जाने के बाद आपको मिलने क्या वाला है, उपशय मिलने वाला है, ठीक है ना। व्याधि गई, ये तो कॉमन सिद्धांत है, यही शास्त्र में चलता है। इस सिद्धांत को, हाँ, इस सिद्धांत को जो अपवाद होता है, इस सिद्धांत को जो अपवाद होते हैं वो कर्मज है, ऐसे बुद्धिमान वैद्य ने जानना चाहिए, ऐसा सूत्र है सुश्रुत में। शास्त्र में दिया हुआ व्याधि आपने शास्त्र के आधारित चिकित्सा की, तो अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो कई चीजें है वो ऊपर देव भगवान के ऊपर छोड़नी चाहिए, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी में ये भी चीजें है रहती है, इनका भी वो पेशेंट को ये करना बोलना है कभी भी, हाँ, ट्रीटमेंट तो करनी है, पर ये एंगल भी रहता है, ये ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि शुक्र शोणि तो संयोग तो होने ही वाला है, वो आत्मिक आत्मा की इन्वॉल्वमेंट, उसमें आने वाले सत्व की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, ये सब जो चीज़ें हैं बाहर की, है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में शुक्र शोणि है उसको अच्छा करने की, जो है ना वो चीज़ें हैं, बाकी की जो इन्वॉल्व, बाकी की जो चीज़ें हैं बाहर के आने लिए, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो जो नहीं है वो नहीं हम कर सकते, ये एक्सेप्ट करो, ठीक है। वो जैसे कुष्ठ के, कुष्ठ में भी कि कई कुष्ठ बाकी के डिसीज, और कुष्ठ में अलग क्या है, कुष्ठ में कि कुष्ठ में जो कारण दी है उसमें वो कर्मज कारण जो है, गुरु की निंदा करना, चोरी करना, ये सब चीज़ें है, और पूर्व जन्मकृत कर्म, इनकी इन्वॉल्वमेंट आती है कुष्ठ में, और इसीलिए फिर कुष्ठ में कुष्ठ की ताकत ज़्यादा है ना। कुष्ठ जो है वो बोला, वो कुष्ठ क्या बोला है, अभी ये विषयांतर होगा पर आपको मालूम रहने चाहिए सब टॉपिक। यदा कुष्ठेन म्रियते पुनर्जातो अपि गच्छति, अगर कोई इंसान कुष्ठ लेकर मरा, और उसकी टीका में दिया है लक्षणेन वा हेतुने, लक्षणेन वा कारणेन वा, मीन्स अगर कोई इंसान कुष्ठ ये बीमारी से मरा तो उसका जन्म जो वापिस होता है उसमें भी उसको कुष्ठ होता है, वही देखो, मीन्स उसकी इसकी लेंथ देखो उस व्याधि की, है ना। अगर वो कुष्ठ से भी नहीं मरा पर मरते समय वो उसको अगर कुष्ठ हो लक्षण स्वरूप में, फिर भी दूसरे जन्म में उसको कुष्ठ हो सकता है,
देखो ये व्यापकता देखो कुष्ठ की, स्ट्रेचेबल हम कहाँ तक विचार कर रहे हैं, वाताज कुष्ठ, स्नेहपान, पित्तज कुष्ठ, ये विरेचन, ये विचार कर रहे, पर इतना वो कुष्ठ है उसका एंगल है ना। वैसे ही गर्भ होना, कोई बच्चा होना, वंश आपकी वंश उत्पत्ति होना, ये सब जो है ये कर्म विपाक पर वो सब रहता है, ये भी एंगल रहते हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा कि आप उसका शुक्र अच्छा करोगे, इसका ये करोगे और होगा गारंटेड, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए उनको बोलना ये सब जो एंगल है वो कितने आप ठीक कर सकते हो, एटलीस्ट मन के एंगल, प्रसन्न मन होना। कई इनफर्टिलिटी केसेस ऐसे रहते हैं कि सब कुछ हो गया, सब अभी सब कुछ ठीक है पर हो नहीं रहा, फिर वो ये छोड़ दे, होप से छोड़ देते हैं, सब ट्रीटमेंट बंद करते हैं और फिर कंसीव हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल जब जाती है तब कभी कंसीव हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो इतने हायर स्ट्रेस लेवल में वो रहते हैं, कैसे उनका ये होगा कंसीव होंगे, है ना। तो ऐसे नहीं होगा कि पीसीओडी मैंने ठीक किया कंसीव, ऐसे नहीं होते। कई पीसीओडी वाले लड़कियां हैं वो कंसीव अच्छे आसानी से कंसीव होते हैं, बाद में कभी तो पता चल जाता है कि पीसीओडी है उनको। हाँ ऐसे है ना कितने लोग, और कईयों का कुछ भी नहीं है, पीसीओडी नहीं, कुछ भी नहीं है, ओवुलेटरी साइकिल सब कुछ है, उसका स्पर्म काउंट अच्छा है, फिर भी कंसीव नहीं होते, फिर ये क्या है ना। तो ये मैथ्स नहीं है, ये लाइफ साइंस है। तो इसके एंगल बहुत है, हमने संहिता और ग्रंथ पढ़ के 5-10% एंगल सीख लिए हैं, 90% एंगल हमें मालूम नहीं है व्याधियों के। तो ये एक्सेप्ट करना कभी चीजें, हाँ हमारे हाथ में जो जो है वो सब करो। जी सर, सर अभी जो उनको अल्पर रजस्ट्राव हो रहा है तो उसमें क्या मेडिसिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं? उसमें पांडुता होगी तो रक्त धातु पर काम करो, रस रक्त धातु पर काम करो, रस अच्छा हो रहा है क्या वो देखो, ओके सर वो देखो, हाँ अनुलोमन अच्छा हो रहा है क्या वो देखो, पीरियड के समय कष्ट रज प्रवर्तन होना, ऐसा लग रहा है कि रज प्रवर्तन होते समय दर्द हो रहा है, हाँ ये अवरोधजन्य संप्राप्तियाँ है। नॉर्मल भी जिंदगी में आप देखो, अगर पानी का नल हो उसमें आप अंगूठा डाल दोगे तो वो स्पीड पानी कम हो जाएगा, वो अवरोध आएगा, फिर पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये अवरोधजन्य संप्राप्तियाँ हैं, तो कम होना तो अवरोधजन्य संप्राप्ति है। फिर उसमें स्त्राव का कलर देखो, कृष्णवर्णीय हो तो वात की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है ना, हाँ ये सब देखो। पर कष्ट रज प्रवर्तन होना और अल्प रज प्रवर्तन होना, हाँ ये वात दुष्टि होती है, जो योनि व्यापक है इसमें कई जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, उसमें एक है कि एरेंडेल तेल जो है, एरेंड तेल वो देना कभी भी, हाँ उसका जो प्रभाव, उसका जो गुण बोले हैं वो अधोभाग हर ऐसे गुण बोले हैं, तो उसका आप उपयोग कर सकते हो। दूसरा उत्तर बस्ती का उपयोग कर सकते हो। तीसरा योनि पिछु धारण का प्रयोग कर सकते हो, हाँ तिल तेल का योनि पिछु धारण, ये बहुत ही श्रेष्ठ उपक्रम है, लगता छोटा है पर उसके फायदे बहुत है। ये तिल तेल को योनि शोधन विशोधन बोला है, श्रोतो शोधन बोला है, और इसका प्रयोग ग्रंथकारों ने भी दिया है। तो उसके जो गुण है वो स्त्री के गुण जो बोलते हैं ना, कि स्त्री ने रज प्रवर्तन करने के लिए क्या अच्छा अच्छा खाना, मछली खानी चाहिए, उड़द की दाल अच्छी खानी चाहिए, वैसे ही तिल का सेवन करना चाहिए, हाँ। तो तिल तेल का जो योनि पिचू है वो चालू करना, हाँ, और बस्ती चालू करना, ये चार पांच जो मेन मास्टर कीज है वो कभी भी यूज करना, जो लेडीज है, वैद्य है और गायने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये छोड़ो मत पहली बात, बाद में सब कुछ देखो आप क्या हेतु क्या है, क्या बंद करने हैं, है? रजचर्या में क्या गलतियाँ हो रही है वो सब देखो, ठीक है। ओके पीसीओडी की केसेस ऐसे पेपर डाल के ग्रुप में फोटो पोस्ट करो और डिस्कस करो, हाँ जी सर। सिंपल सिद्धांत है, व्याधि है, आपको हेतु पता चल गया, आपने हेतु विपरीत चिकित्सा कर दी, व्याधि का नाश ही होने वाला है ना, तो होगा ही, है ना। बोलो। हाँ नमस्ते, बोलो। नमस्ते बोलो। हाँ सर, एक पेशेंट अभी भी आया है सर, और उसको उन्होंने कॉफी पी है, एक बड़ा कप कॉफी पी है, और पीने की आदत नहीं है, चाय कॉफी से एलर्जी होती है, और साथ में पेंटॉप खाई थी, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, दर्द और जलन। कॉफी कब पी थी? शाम को पियोगे 6-7 बजे बताया। और अभी दर्द हो रहा है? जी दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, तो खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद भी बता रहे कि
खाना हाँ, खाया कि शायद आराम मिल जाए, एसिडिटी हाँ, कुछ कम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो फिर पेंटॉक खा के आए। अभी उल्टी जैसा लग रहा है क्या उसको? उल्टी सी लग रही है सर। हाँ तो उसको वमन करो, सद्य वमन। हुँ? अच्छा ठीक है, वमन का वेग उसको विदारण किया उसने तो जी। उसको ये हो रहा है तो उसको सद्य वमन करना है ना। अच्छा, अगर नहीं किया तो फिर उसको कल अलग अलग सिम्टम दिखेंगे, विसर्प कोष्ठ कुष्ठाक्षी कंडूक, कल उसको अर्टिकेरिया ऐसे कुछ दिखेंगे लक्षण। अगर उसने अभी अच्छा, पेट दर्द के लिए भी दवाई दे दी है ना किसी डॉक्टर ने, तो उसको दूसरे दिन अर्टिकेरिया और ऐसे सब कुछ दिखेगा। विसर्प कोष्ठ कुष्ठाक्षी कंडू पांडवा मयाजोरा ये सब कुछ है ना, वैसे संप्राप्ति जाएगी। उसको सद्य वमन ही देना चाहिए। उसने जब कॉफी पिया और लगा ना उस तभी दिया तो और अच्छा होता था, अभी भी दे दो। हेलो बोलो। हेलो सर। हाँ सर नमस्ते, मेरा प्रश्न था कि पेशेंट कोई आते हैं सद्यो सद्यो वमन देना है, स्नेह स्वेदन कुछ नहीं देना है, पेट में मुंह में उंगली डाल के वमन करना है। ठीक ठीक बोलो। सर तो कोई पेशेंट बोलते हैं कि अभी एक पेशेंट थी मेरी जिससे कल आई थी, उसका मैं हिस्ट्री कल डालूंगी सर, बहुत बड़ा हिस्ट्री है सर। जस्ट इन जनरल एक क्वेश्चन था कि कोई पेशेंट बोलते कि अभी हमें मैंने उसको नाम उसका एज पूछा तो उसको उसने बर्थ डेट तो बता दी, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि अभी मेरा एज क्या बताऊं, वो भूल गई पूरा। और वो उसका वही एक स्पेसिफिक कंप्लेंट था कि मैं भूल जाती हूँ, और दूसरा बोली कि मुझे बच्चों के नंबर भी याद नहीं रहते, अगर मुझे आप अभी पूछोगे तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मैं पिछला बता सकती हूँ। पर कोई पेशेंट में वो लॉन्ग टर्म पिछला बता सकते हैं लेकिन अभी का उन्हें याद है, वो अभी का बोल सकते हैं, तो इसमें कैसे विचार करें दोषों का? देखो जीर्ण अवस्था जो है वो वात की है ना, स्थिरता जो है वो कफ की है, और आंसर झट से देना वो पित्त का गुण है। हाँ मालूम, क्लास में बच्चे रहते हैं ना तो जो फास्ट आंसर देते हैं वो पित्त के हैं, वो फिर बाद में सोचने के बाद आंसर देते हैं वो कफ के हैं, और जिसने ढंग से क्वेश्चन ही नहीं सुना और आंसर देने की जल्दी है वो वात के हैं, वैसे ही स्मृति का रहता है। हाँ स्टोरेज जो रहता है वो कफ का गुण है। ठीक है, वो स्टोरेज से लेकर मुंह तक लाना ये जो चलता है वो वात की है। हाँ और उसका प्रेजेंटेशन करना झट से वो पित्त का है। तो ये सभी गुण अच्छा करने वाला जो है धी धृति स्मृति वो जो है वो घृत है। अगर हमें इस तीनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करने आ रहा है तो इन तीनों का जो अच्छा काम करने वाला है वो कौन है? घृत है। जीर्ण घृत हो तो और अच्छा। और सिद्ध घृत है, कल्याणक घृत है, ब्राह्मी घृत है, वचा घृत है। तो ये ऐसे घृत जो है वो डायरेक्ट चालू करना। ठीक है सर, अगर पेशेंट में सामावस्था है तो फिर कौन सा घृत यूज करें? क्योंकि ये पेशेंट का मैं कल हिस्ट्री डालूंगी, उसका पूरा आहार विहार नहीं, उसको पाचन कर दो और घृत चालू कर दो। हम क्या घृत पान नहीं देने वाले, हम शमन मात्रा में घृत देने वाले। ठीक है ना। हाँ ऐसे क्या, ऐसा एक चम्मच नहीं, ऐसे चपाती को लगाया तो भी चलता महाकल्याण घृत, ऐसे कुछ नहीं, शमन मात्रा में घृत देना है। ठीक है। और सर जो रोज अभी ओल्ड एज रहता है, मज्जागत वात रहता है, भूलने की बीमारियां कहते हैं, तो वात शमन करना रहता है तो उसको निर्गुंडी घृत देना या फिर निर्गुंडी देना। ठीक है ना। बहुत चंचलता है ऐसा लग रहा है आपको तो आप उसको ब्राह्मी ये शंख पुष्पी ये देना। आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है पर वो बोलना ही नहीं चाहता, उसको जो सब कुछ आता है सब कुछ मालूम है पर झट से आंसर देना नहीं आता तो वचा देना। तो इस प्रकार से द्रव्यों का सिलेक्शन करना। और सर बच्चों में जो अभी पढ़ाई करते हैं तो बहुत एक्सर्शन होने के बाद मतलब मज्जा का क्षय, तो फिर उसमें हम क्या रोज उन्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अब की जो जनरेशन उन्हें, तो उसमें क्या विचार करें, मतलब कौन से ग्रुप अभ्यंग देना मुख्य, पहले रोज अभ्यंग करना। ठीक है ना। मज्जा का भ्रूण आप ऊपर से रस धातु से नजदीक है क्या अस्थि धातु से नजदीक है नहीं से? तो अभ्यंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट रहती है, तो अभ्यंग चालू करना कभी भी। अभ्यंग से सिर्फ त्वचा मॉइस्चर होगी ऐसा नहीं है, अभ्यंग से वात शमन होगा, अभ्यंग से अस्थि सौष्ठवता कम होगी, अस्थि मजबूत होगी, मज्जा का पोषण होगा,
शुक्र का चल गुण कम होता है, मन का चल गुण कम होता है, बहुत से फायदे होते हैं करने के बाद, है ना। तो इस हिसाब से देना उसको। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम बोलूं क्या कि पेशेंट है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं तो वो छोड़ देते हैं। मेरे 2-3 पेशेंट छोड़ दिए ट्रीटमेंट की, वो फिर होम्योपैथी में चले गए। एक अम्ल पित्त की पेशेंट थी, क्योंकि मैंने उसको 37 बोला कि बंद कीजिए, बिल्कुल भी नहीं खाना है, तो वो उसने ट्रीटमेंट ही छोड़ दिया। बाकी जो कि आपके तो वो उनका दुर्भाग्य है ना, वापिस आते हैं वो। पर प्रैक्टिकली वो मतलब अभी ऐसे बोलते लोग, पर ऐसा नहीं होता। आप जो बोलते हो ना बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना है, और क्या बोलते हैं उस जो बोलते हैं ना शब्द, उस शब्द को पूरा क्या बोलते हैं एक प्रोग्राम करके बोलना है, ठीक है ना। अब नहीं क्या कई एलोपैथी की अभी दवाइयाँ हैं वो भी कड़वी रहती है, लेते हैं ना, पर वो लो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। दही के दुर्गुण कितने हैं, दही से क्या क्या होगा आपने अगर ले लिया तो वो पूरी लिस्ट बताना उसको, है ना। अगले पिछले व्याधि आप बता सकते हो, फिर वो पेशेंट वो चंडम शोकातुरम विरुद्ध वो सब जो है उसमें बिठाना और उसको छोड़ देना, है ना। फिर क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो सर बच्चों में सिर्फ हम अगर अभ्यंग नहीं हो पाए, जस्ट एक वीकली वंस अभ्यंग और शिरोपिचू, सबसे अगर मच्छर धातु का वर्धन करना हो तो मज्जा तेल बनाओ, सिंपल तेल रहता है वो, मज्जा तेल बनाओ और उसका अभ्यंग कर सकते हो तो वो बहुत ही काफ़ी अच्छा रहता है। नॉनवेज अगर खा रहा हो तो भेजा जो रहता है उस भेजे की कोई रेसिपी बनाओ, या फिर उसका घृत बनाकर वो अल्प मात्रा में चालू कर दो, उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, मज्जा से मज्जा वृद्धि। शिरो पिचू सर अगर रोज अभ्यंग नहीं हो पाए तो शिरो पिचू कर देगा, एकदम बेस्ट कर सकते हैं ना। थैंक यू सर। ओके सर मेरा एक प्रश्न है। सर 2-3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी इंक्वायरी करने, तो उसने बहुत एक वियर्ड सी बात बताई कि मतलब वो अभी 30 इयर्स की है और उसने बहुत सारा एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले लिया है बट वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो वो ये बोल रही थी कि 2018 में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, दो लाइन आई थी। तो उसके बाद उसने सोनोग्राफी कराई तो सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं आया, मतलब उन्होंने बताया कि आपका टेस्ट तो पॉजिटिव आया बट आपको बेबी नहीं है। और उसके बाद से उसको कभी महीना ही नहीं आया, उसके बाद से 2018 के बाद से उसको मेंसेस ही नहीं हुआ है सर। बट उसका उस टाइम यूपीटी पॉजिटिव आया था बट सोनोग्राफी में कुछ बेबी जैसा नहीं निकला था। और उसके बाद ये पहले टाइम हुआ ना, दूसरे टाइम भी वैसा हुआ सर? नहीं जब से उसकी शादी हुई है मतलब नहीं, उसने पहले महीने में यूपीटी की ली है ना, तो यूपीटी करने के बाद वो पॉजिटिव आ गई, फिर उसने सोनोग्राफी की तो उसमें कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है। हाँ ये हो गया। उसके बाद उसने फिर सोनोग्राफी कराई, कब भी कुछ नहीं। उसके बाद कितने अंतर में? अब 1 महीने के अंतर में। हाँ तो उसने वापस यूपीटी की थी सर? यूपीटी तो वापस नहीं करी, डायरेक्ट डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाई थी। हाँ तो यूपीटी का इतना ये नहीं रहता, हाँ तो वो एरर हो सकती है उसमें, वो जो यूपीटी किट में वो छोटा कागज रहता है ना, वो पढ़ने के बाद आपको उसमें लिखा है सब कुछ। हाँ हाँ, तो फिर तो सर मैंने उससे बोला कि अभी रिपोर्ट्स लेके आए कि अगर डॉक्टर ने एससीजी की क्वांटिटेटिव यूनिट कराई होगी तो भी पता चल जाएगा, ब्लड टेस्ट वो ज्यादा वो रहता है। तो अभी उसके पास रिपोर्ट्स नहीं थी सर, पर उसके बाद से उसको सर कभी पीरियड्स ही नहीं आए सर। तो ये रक्त गुण का केस हो सकता है क्या सर? हो सकता है ना, क्या है हमारा शरीर जो है वो शरीर है पर उसका चलाने वाला जो है वो मन है, ठीक है ना। और मन जो है वो कैसे शरीर चलाता है, जैसे गीता में लिखा है वो सारथी है मन, घोड़ा जो चलाने वाला है वो, और ये रथ जो है वो हमारा शरीर है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, ठीक है। अगर ऐसा कई औरतें सोचती कि अभी गर्भ रह गया ऐसे कहो तो पीरियड भी वो आगे आगे जाते हैं, ऐसा लिटरली होता है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, पर क्या ये भी हो सकता है जो आप बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, पर शरीर पर है।
तो इसीलिए पॉजिटिव बोलना किसी भी है ना, कई हमारे सिद्धांत में लिया है कि वो ज्वर ज्वर के बारे में सोचना ही नहीं है ना, स्मृति भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि ज्वर आएगा वापिस, ठीक है ना। तो इतनी ये चीजें होती है, ठीक है। तो हर एक पेशेंट को हार्मोनल ट्रीटमेंट भी ले लिया 2018 के बाद से, बहुत हार्मोनल पिल्स भी खा ली, बट वो पिल्स खाने के बाद भी उसको पीरियड नहीं आ रहे सर, और अभी खाली वो 30 इयर्स की है सर। तो एकदम चैलेंजिंग केस है ये, है ना। हाँ, तो मैंने उसे बोला कि अपनी रिपोर्ट्स लेके आओ कि अगर एंटी मलेरियन ड्रग कराया होगा, हो सकता है रिजल्ट खत्म हो गया हो। पहले तो बहुत अच्छे आ रहे थे, क्या पीरियड बराबर से आ रहे थे? बिल्कुल नॉर्मल, हाँ बिल्कुल डेट टू डेट आते थे, नॉर्मल आते थे, ना उसको कोई दर्द होता था ना कुछ होता था। बट वो 2018 के बाद से, जब से उसका यूपीटी पॉजिटिव आया, और उसके बाद से हुआ ही नहीं उसको कभी सर। मिस्टर को कुछ तकलीफ बीमारी नहीं है ना, एसटीडी या फिर ऐसा कुछ? सर वो एक्चुअली वो पेशेंट ऐसे ही आई थी, इनको क्या है, और एक इसका एक एंगल रहता है कि हमारे इसमें दिया है उपदंश, और इसमें दिया है कि अगर ये व्याधि पुरुष को हो, हाँ तो वो हेलो हेलो जी सर, हाँ तो वो ट्रांसमिट होके स्त्री को हो सकते हैं, और फिर आर्थोदृष्टि हो सकती है, हाँ तो ये भी एक एंगल है, और वो सभी एंगल देखने चाहिए, हाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। ओके सर, ऐसे सभी एंगल देखने चाहिए, ठीक है। और हेलो, हाँ बोलो सर। एक 50 इयर्स प्लस पेशेंट है, उसको डायबिटीज है लास्ट 15-17 इयर्स से, वॉचमैन ड्यूटी कर रहा है सर। वो अभी उसको वात रक्त जैसा है, केयर में भी हुआ है, और क्या हुआ है स्वेलिंग, वात रक्त तरीका सोच करते सर, स्वेलिंग उसके साथ में उसको श्वास नहीं की, दम लगना ऐसा, इसमें क्या अप्रोच कर सकते? डायबिटीज का वो 500 मिलीग्राम का टैबलेट, और लक्षण क्या क्या है उसको, मल प्रवर्तन कैसा है, मूत्र कैसा है, नेत्र कैसा है, तो कुछ तो चाहिए। मल प्रवर्तन ये कठिन है, कठिन का एक कड़क होते मल प्रवृत्ति, और अरुचि है, और उसको जलन होता है, चाहे तीखा खाया तो या फिर लाल मिर्ची। अभी आपको लक्षण के अनुसार क्या क्या दिख रहा है, वो अजीर्ण अजीर्ण दिख रहा है क्या, हाँ अगर उसका जागरण है तो वात शोणित दृष्टि तो है ही फिक्स, है ना। नहीं वॉचमैन है कि डे ड्यूटी है उसका, लेकिन कैसा है बैठ के ज्यादा रहता है ना, कि ऐसा बैठ के ज्यादा रहने वालों में क्लेद दृष्टि, मेद दृष्टि, रस दृष्टि, ये सब दृष्टि रहेंगी, तो वो पहले सॉल्व करो, ठीक है ना। हाँ हेतु क्या क्या चल रहे है वो बंद कर दो, और उसमें उसमें उनको वो मिक्स जार खाने का आदत है, क्या मसूर मिक्स जार, रोज इनकी उड़ीद मसूर मूंग और तुअर, जो जो आपको दिनचर्या में पहले गलत लग रहा है वो पहले बंद कर दो, ठीक है ना। हाँ अभी क्या कंप्लेंट लेकर आए आपको, आपकी अभी ये क्या है केस? श्वास का दम लगता तो, एंड वो पैर का सूजन है, बहुत ज्यादा सूजन है, लेकिन कौन से पैर को, कौन से पैर को सूजन है? वो तो दोनों पैर को, दोनों दोनों पैर को है। हाँ वो सूजन कैसी है कि बाबा बढ़ती कम होती है, बढ़ती कम होती है, ऐसा होती है? कांस्टेंट है, अभी उसको भी शायद काफी इनके 2-4 साल हुआ सूजन है। हाँ तो देखो अभी शोथ के अमावस्या में क्या बोला है देने के लिए, शुंठ बोला है, देवदार बोला है, नवाया चूर्ण बोला है, गर्म पानी के साथ दे दो, है ना। तो उसको कुछ भी ऐसा ये करें, गरम चीज ऐसा करें तो दाह रहता है, तो वैसा उसको ज्यादा उठना नहीं जाता है। हाँ बराबर है, तो ये वात रक्त जैसा सब कुछ आप बोल रहे हो ऐसा दिख रहा है ना। तो वात रक्त में क्या दिया है वो उसको चालू कर दो, विश्व हाँ नहीं गुड़ूची गुड़ूची है ही, पर हमें शोथ भी है करना है ना कवर। हाँ तो विश्व और किरात तिक्त, हाँ बोलो, यूज करेंगे तो वो थोड़ा गर्म पड़ेगा ना सर, उससे शोथ अच्छा कम होता है। हाँ नहीं पुनर्नवा प्लेन पुनर्नवा कर सकते हो, पर आप क्या करो अभी अमृता जो है, सुनो वो डायबिटीज रहे तो आप उसको क्या करो,
अमृता सिद्ध अमृता का जो ये है क्या सिद्ध दूध, हाँ जो वात रक्त में दिया है वो चालू कर दो, ठीक है वो चलेगा। हाँ वो चालू कर दो। और अपत्य में क्या क्या करना है, दीवा स्वाप कर रहा है तो वो बंद कर दो, हाँ धूप में घूम रहा, हाँ धूप में अगर घूम रहा है तो वो बंद कर दो, बहुत हेवी एक्सर्शन कुछ कर रहा है वो बंद कर दो, हाँ तीखा हाँ अति कटु ऐसा कुछ खा रहा है, गुरु का खा रहा है, अन्नपान कर रहा है तो ऐसा वो सब कुछ, वही जो मिक्स दाल है वही मेरे को गुरु लगा कि एक सोलो डाल नहीं देता है, सब रेगुलर है। हाँ अति अम्बुपान अगर रहा तो भी वो सब बढ़ हाँ, जाएगा हाँ, तो वो मैंने बंद करने के लिए हाँ, तो वो सब जो एंगल है वो सब कुछ ये कर दो। और अगर वो जो शोथ है उस पर आप आपको लग रहा है कि वो ठंडा पानी उस पर लगाने के लिए लगाने के बाद उसको अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या उसको? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा। नहीं नहीं वो जो शोथ है ना उसको ठंडा पानी लगाया, उसको कुछ लगाया क्या उसने अभी तक? सुंठी लगाया है, तेल लगाया, कुछ लगाया है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं लगाया उसने, नहीं लगाया। हाँ तो कंटिन्यूस शोथ है वो तो उसमें उसमें दर्द है क्या उसको? हाँ दर्द है क्या उसको? शूल है क्या वहाँ? हाँ शूल है तो आप वो मुझे बोला वो कर दे चालू। हाँ कभी कभार डीवीटी भी रहेगा उसको तो वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो शोथ हमें फोटो चाहिए शोथ के कैसा है। हाँ अगर अगर वो पित्त जो शोथ लग रहा है अरक्त वर्णीय लग रहा है उसमें हाथ लगाने के मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं शोथ के बारे में पूछ रहा हूँ, अगर वो शोथ पे अरक्त वर्णता है हाँ ऐसा है तो उसके उसके लिए बेस्ट जो वात रक्त में दिया है वो दुर्वास स्वरस जो है वो लगाना है उसको पैर को, हाँ और उसके बाद वो ठंडा होता उसको ठंडा महसूस होता है क्या वो देखो, हाँ उससे रक्त पर प्रसादन भी अच्छा होता है, हाँ तो वो करो। और पेट में अमृता सिद्ध क्षीरपाक, अमृता जो है वो रक्त में अगर कफ का अवरोध हो तो नष्ट करने के लिए वो बहुत अच्छी है। हाँ गुरु जी कटु का तिक्ता, वो तिक्ता है कटु का है और स्निग्ध भी है, ठीक है ऐसी वो वनस्पति है, तो उसका अगर हमने वो सिद्ध दुग्ध चालू किया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी केस ग्रुप में डाल दो एक बार, केतु बंद कर दो हाँ उसके जो कुछ चालू है तो शोध क्या वो कैसा कम उसी से कम होगा सर शोध? हाँ उसी से कम होगा ना केस, या फिर पुनर्नवा अलग से दे दूं मैं कि नहीं ऐसे पुनर्नवा ये व्याधि प्रत्यनिक हो जाती है ना, हमें हेतु पर काम करना पड़ेगा, पुनर्नवा से होगा ही वो, ठीक है ना? पर आप शोध चैप्टर देखोगे तो उसमें उतनी पुनर्नवा नहीं आई है जितनी वात जो डायबिटीज का कंडीशन है वो चालू रखो। कौन सा डायबिटीज है ना उसको? हाँ 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 तो वो 15 सालों से ले रही है ना दवाई, जेंट्स पेशेंट है सर, वो 15 साल से ले रहा है ना दवाई, तो अभी उसके बारे में सोचने के जरिए अभी शूल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि शोध जो है वो बड़ी व्याधि है ना, है ना? तो शोध के बारे में पहले उसका उपद्रव स्वरूप ही शायद ये हो रहा है सर, मधुमेह का उपद्रव स्वरूप वो, पर अभी हम उसको ये जो मेटफॉर्मिन उस पर काम नहीं कर सकते, और काम किया तो भी जल्दी ये नहीं मिलेगा। अभी क्या हो गया है व्याधि रहेगी बाजू में, हाँ उपद्रव बड़ा है, जब ऐसा हो गया तो उपद्रव पर काम करने के लिए शास्त्र ने बोला है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जिससे मरण होगा ना वो पहले ठीक करो, बाद में आपके वो स्वतंत्र परतंत्र सिद्धांत वो नहीं छोड़ने हैं। तो अरुचि है तो लाइक मैंने आरोग्य वर्धिनी दी उसको कि मल प्रवृत्ति भी बराबर से हो इस हिसाब से, और उसको और क्या सर दे सकते हैं कि जिससे उसका कि आगे पत्ते कर दे सकते हैं सर उसको कि पित्त उसको देने के लिए क्या दे सकते हैं? उसको अमृता दे सकते हैं, उसको बला दे सकते हैं, उसको दशमूल दे सकते हैं, लघु पंचमूल दे सकते हैं, लघु पंचमूल तो दे ही सकते हैं, ठीक है? दशमूल गरम पड़ेगा सर, हाँ। लघु पंचमूल दे सकते नहीं नहीं दशमूल गरम नहीं पड़ता, दशमूल का सिद्ध दुग्ध बोला है इसमें वात रक्त में, गरम बिरम कुछ नहीं पड़ता, अगर सिद्ध दुग्ध दिया ना तो बराबर जाता है वो काम करता है। तो एक टाइम सर गुरु से सिद्ध दुख दो और एक टाइम नहीं वो मिक्स कर दो ना अमृता दशमूल, ऐसा कल्प ही आया है चरक में, ठीक है रासना बला शतावर ऐसा कल्प आया है, तो वो सिद्ध क्षीर दे दो।
ओके सर, ठीक है। अगर वेदना हो तो ऐसा ही शिरपा का है चरक में, वेदना अगर हो तो वातरक्त में, हाँ तो यही दे दो उसको, चलेगा सर। ओके सर, ठीक। कैश और गूगल भी चलेगा ना सर? चलने के लिए सब कुछ चलेगा, हमें कैसा प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी है ना, तो आप जितनी दवाइयाँ बढ़ाओगे वो पर डाइजेस्ट होनी चाहिए ना। ओके सर, नहीं है कि पेन की और नहीं, नहीं ये जो क्वाथ है ये वात रक्त की वेदना ही कम कर देता है, उसमें रासना भी आती है, दशमोल भी आता है, बला आती है ना, तो इसका जो सिर दुग्ध दो बार अभी ठीक है सर, नहीं होगी तो राय दो। हाँ चलेगा, ओके। नहीं कि बला मेरे के लगता है थोड़ा हेवी पड़ता है ना सर ऐसा, तो इसलिए इतनी दवाई देनी है और कुछ नहीं देना है। थैंक यू सर। वात रक्त का रुग्ण है तो उसको भूख अच्छी लगती है, वो डाइजेस्ट कर पाता है, चल गुण है, तीक्ष्ण गुण है, उष्ण गुण है, भूख ज्यादा ही लगती है, ठीक है। हेलो रासना बला शतावरी दशमोल शिरपाक ये चरक में दिया है, इधर एक मैसेज आया देखो, बोलो। सर वो वमन तो करा दिया, अब कुछ और कुछ देना है सर? आराम तो मिल गया किसको? किलक कर दिया वमन? हाँ जी, अभी अभी कर दिया आपने। हाँ तो अभी क्या करना, हो गया सद्य वमन कर दिया, आमाशय की शुद्धि हो गई, अब उसूल नहीं पड़ेगा, हो गया उसको। कुछ और कुछ उसको ग्रत वगैरह या कुछ और? नहीं उसको ठीक लग रहा है ना अभी। हाँ जी हाँ, अभी कुछ नहीं, सोना उसको बोलो पेशेंट सो गया मस्त, कल सुबह भूख लगने के बाद खाओ खाना, है ना। इतने में कैसे हो गया सद्य वमन? अरे स्वयं प्रवृत्त दोष है ना, क्या सोचना है ना, वो आना चाहते है बाहर, हमें वो दरवाजा खोलना चाहिए, है ना। आमाशय में व्याधि गई है, आमाशय में कॉफी गई है, आमाशय में पेंटाप्रेजोल गई है ना, तो हमें आमाशय ही शोधन करना चाहिए, है ना। हाँ तो यही इसको हमें इसलिए यहाँ मालूम रहना चाहिए, अगर नहीं उसने उल्टी कर दी तो क्या होना चाहिए, अगर गलती से अगर ऐसा सोच लो कि ये अभी का पेशेंट आपके पास नहीं आया, वो बोला नहीं इसके पास क्या जाना है ना, और दूसरे पास गया और उसने फिर आईवी लगा कर उसने एंटासिड डाल दिए, है ना, एंटीएमेटिक डाल दी, तो उस पेशेंट को आपको बोलना आना चाहिए कि कल देखो आपको ऐसे ऐसे अर्टिकेरिया आएगा, ठीक है ना। yes. है ना, ठीक है। देखो केस डिस्कशन करते करते एक पेशेंट ठीक हो गया हमारा। सर इसमें क्या ठंडा दूध वगैरह दिलवा देंगे? अरे ऐसे थोड़ी देते ठंडा दूध, कुछ भी नहीं देना है, कुछ नहीं। सो जाओ बोलो, कल खाना खाओ, ठीक है, बोलो। थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर मेरी एक पेशेंट है 32 इयर्स की। कौन सा पेशेंट है? वो एक फीमेल पेशेंट है 32 इयर्स की। 32 इयर्स फीमेल। जी सर, तो उसके गालों के चीज के दोनों साइड बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, मतलब इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि वहाँ की स्किन जल सी गई होती है, जलने के बाद जैसे स्किन कॉन्ट्रैक्टेड और काली हो जाती है। सर उतने थिक पैचेस है दोनों साइड पे, और वो उसके 4 बच्चे हैं, और वो बोल रही थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद से ही ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया, बट वो ऐसे ही इधर उधर से कोई क्रीम और ये सब लेते रहे तो काम चलता रहा, कभी ठीक कभी ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा हो गया है और स्किन भी मतलब वो मतलब थिक सी स्किन हो गई है ब्लैक कलर की पैचेस में, और रुग्ण को पूरी सामता के पूरे लक्षण है, जिह्वा भी पूरे साम है, और मतलब मतलब मुझे ऐसे बात का फर्श टाइप लग रहा है। एंड सर जो मैंने इंटरनल मेडिसिन तो दे दी है स्रोतो शुद्धि के लिए, पर सर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मतलब कैसे करूं, क्योंकि सर वो पैच एक तो बहुत ऐसा लग रहा है बहुत रूक्ष है, तो उसमें अभ्यंग की भी जरूरत है प्लस लेखन की भी जरूरत है, तो सर वो कैसे डील करें सर? बोलूं? जी सर। अब ये जो संप्राप्ति होती है वो संप्राप्ति या उसका आपका माइक बंद कर दो। जी डबल आवाज आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, वात का रुक्ष गुण, पित्त का तीक्ष्ण गुण, हाँ और उष्ण गुण, ये गुणों ये जो गुण है वो किसी वजह से राग क्रोध या फिर किसी भी वजह से वो ऊपर की ओर जाते हैं, हाँ और ये संप्राप्तियाँ करते हैं। हाँ क्या ये ऐसा किसमें दिया है? उसकी संप्राप्ति के श्लोक में दिया है। अब चेहरे पर ही क्यों? तो चेहरा ये
शुक्र का स्थान है, तो शुक्र में होने वाली जो दुष्टियां है, जो भी होगा उसका जो जो मीटर है, जो उसका आईना है, वो चेहरा है। हाँ, जब आप शुक्रसार पुरुष देखोगे तो सौम्या सौम्य प्रेक्षण जो शीरपूर्ण लोचना, वो चेहरे का वर्णन है। तो ये जो व्यंग है, अब इसको हम व्यंग बोलेंगे, अगर व्यंग आपको समझने के लिए, तो इसको दो तीन एंगल देखने पड़ते हैं। एक कुष्ठ, एज ए कुष्ठ देखना पड़ता है, एज ए त्वचा विकार देखना पड़ता है, और एज ए शुक्र दृष्टि ऐसा देखना पड़ता है। और ये सभी ये जो दृष्टियाँ हैं ये दूर करनी पड़ती है ना? अब शुक्र के हिसाब से उसका रजा अच्छा होना चाहिए, वो देखो, खान पान के तरीके हैं वो देखो, तीक्ष्ण उष्ण ऐसा कुछ खाना पीना है, या फिर विहार जो है धूप में अब जो जो क्लाइमेट है जहाँ रुक्षता है, और ऐसे लोग अगर उष्णता धूप में गए तो इनमें ज़्यादा दिखता है। हाँ, जो उस साइड के लोग हैं, कहाँ मेरा गांव है, हाँ, तो उस साइड रुक्ष हवामान है और धूप है, तो ये दो जो रीज़न होते हैं, तो इससे ये जो काले पैचेस आ जाते हैं। हाँ, जिसको मॉडर्न में टैन बोलते हैं, ये बोलते हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो इसके जो लेप है वो लेप भी वैसे है, हाँ, जिसमें यष्टि है, लोद्र है, काले कृष्ण तिल है, ऐसे जो लेप दिए हैं, और चारोड़ी जो रहती है वो उसको दूध दूध में घोटना है, दूध में उसको ये घोटने को क्या बोलते हैं, घोटना है, और वो चेहरे को लगाना है, ठीक है। तो ये जो योग है वो व्यंग भी जाता है, और शुक्र दृष्टि से होने वाला व्यंग ऐसे भी उसका विचार है। चारोड़ी जो है वो शुक्रवर्धक है, यष्टि जो है शुक्रवर्धक है, दूध जो है वो शुक्रवर्धक है, ठीक है। तो ये जो लेप है वो लगाने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा लेप मंजिष्ठा जो है वो दूध के साथ लगानी है। तीसरा लेप लोद्र जो है वो दूध के साथ लगाना है। और चौथा लेप अर्जुन जो है वो दूध के साथ लगाना है। पांचवा लेप मसूर दाल जो है वो दूध के साथ लगानी है। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, और इससे वो जो है वो जाती है, जो रोग है वो कम होता है। हाँ, 3-4 महीने लगते हैं पर वो कम होता है, ठीक है जी सर। ये लेप जो है वो वाग्भट में ही बताए हैं, मेरे नहीं है खुद के। हाँ, तो इनमें से कोई भी यूज़ करो। हाँ, मसूर, अर्जुन, मंजिष्ठा और चारोड़ी, काले तिल, कृष्ण तिल, और क्या बोला मैंने, गाय के, हाँ, अर्जुन, ये सब गाय के दूध में ये करना और लगाना। हाँ, ऐसे लेप लगाओगे तो वो धीरे 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 कम होगा। और शुक्र अर्थ उसका रजा अच्छा होना चाहिए, वो सब बाकी की जी चीज़ें है, युक्ति प्रमाण से उसको दवाइयाँ अभ्यंतर चालू कर दो, ठीक है। तो ये ऐसी संप्राप्तियाँ घटती है, जैसे पालित्य में भी सुश्रुत ने एक संप्राप्ति बोल दी है, तो वो ऐसे होता है। ये तीक्ष्ण गुण उष्ण गुण पित्त का ऊपर जाता है, केश की ओर जाता है, और केश पतन होने लगता है। हाँ, या ऐसी संप्राप्तियाँ होती है, ठीक है। बोलो सर, एक और मतलब दो पेशेंट्स और मैं पूछूंगी सर। एक और पेशेंट है, वो अभी मतलब 38 इयर्स की है, तो सर प्रकृति की है सर, और उसको ना सर बहुत रिंकल्स हो रहे हैं सर। तो सर रिंकल्स के लिए मतलब समय से पहले ही हो रहे हैं, तो अगर लवण रस की अतियुक्ति में भी बोला गया कि समय से पहले होते हैं, पर उसमें सर वो लवण रस कोई भी ऐसी नहीं है, वो उसका खाना पीना बहुत संतुलित है, कोई ऐसे आहार विहार में तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो उम्र की है 38 इयर्स की सर, 38 ऐसी होगी सर। तो सर उसके ना सर बहुत रिंकल्स आ रहे हैं, कहाँ पर? फेस पे सर, आंखों के नीचे स्पेशली। तो सर उसके लिए कुछ लेप या कुछ ऐसा, वो लेप नहीं, अभ्यंग ही करना और अभ्यंतर घृतपान करना, ठीक है ना। जो वली है, वली को क्या बोला है जो टीकाकारों ने, त्वक संकोच। वो जब टीका पड़ोगे तो अरुणत्न क्या बोला, त्वक संकोच, त्वचा जो है उसका संकोच हो जाता है ना, वो ऐसे उसको व्रिंकल्स आ जाते हैं। हाँ, तो ये नहीं होने चाहिए। तो वली नाशक जो जो जहाँ जहाँ शब्द है वहाँ ढूंढोगे तो रसायन अध्याय में आएगा, स्नेहपान में आएगा, अभ्यंग में आएगा। तो ये जो चीज़ें है वो करना है, स्निग्ध गुण बढ़ाना है आपको, ठीक है। वात का रुक्ष गुण कम करना है, स्निग्ध गुण बढ़ाना है। तो स्निग्ध गुण बाहर से बढ़ाओ, अभ्यंतर बनाओ। चिंता, शोक, काम ऐसे होगा तो भी वात वृद्धि होगी, उससे भी व्रिंकल आते हैं, ये भी देखो ध्यान में। हाँ, ठीक है। तो सर, तो मैंने उसको पहले सर, उसको चिंता शोक तो है ही बिना बात के, तो कैसे, हाँ, तो केवल निज से नहीं होगा, ये भी चीजें रहती है। तो ऐसा होगा तो गुरु तो उस पर भी काम करता है, ठीक है। जी सर, ऐसे कर दो। तो
सर मैंने पहले उसको ये कुमकुमादी तेल वगैरह दिया था सर, पर उसका कुछ फर्क उसको दिख नहीं रहा सर। नहीं दिखेगा ना, आप क्यों टाइम ये कर रहे कि इतने में दिखना चाहिए, है ना, शाखागत है, त्वचा पर दिखना चाहिए सर। एक साल तो कंटिन्यूस वो चिंता कर रही होगी, कंटिन्यूस शोक होगा, है ना। वय का, हाँ, वली होना ये वय बढ़ने का कारण है, वय बढ़ने के बाद ही आने वाला है, तो उसके एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रही है। एजिंग प्रोसेस फास्ट कब होती है, वात वृद्धि होती है इसीलिए। हाँ, जब इतनी फास्ट हो रही है तो आपको मधु तेली की यापन बस्ती है, ऐसे ही यापन बस्तियाँ देनी चाहिए, है ना। जी सर। और एक सर मेरी एक्ने की पेशेंट है सर, तो वात पित्त टाइप का उसको एक्ने है, तो सर अभी तो ट्रीटमेंट नस्य दे दो बोल रहे हैं, देखो कोई बोल रहा है नस्य दे दो, कर्णपूरण दे दो, हाँ, जहाँ जहाँ आप तेल प्रयोग कर सकते हैं वहाँ वहाँ स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ, और इतना एक एक साल से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बस्ती देना चाहिए, वो बात वात के स्थान पर ही काम करो तो, है ना जी। बोलो नेक्स्ट। तो सर उसका ना सर वो एक्ने, तो मैंने इंटरनली मेडिसिन देखी, अभी नए एक्ने तो नहीं आ रहे, पित्तज टाइप के एक्ने थे, तो सर जो उसको पहले मार्क्स पड़ गए हैं काले काले धब्बे जैसे, ये दूसरी केस है कि वही है सर? दूसरी केस है। कितने साल की है, क्या है सर? वो 21 साल की है, और सर उसने उसकी हिस्ट्री में ये बोल रही थी कि 2 महीने पहले तक तो उसके फेस पे एक भी पिंपल नहीं था, और अभी जब मेरे पास आई थी तो पूरा फेस उसका भरा हुआ था। तो जब मैंने हिस्ट्री ली तो उसमें जैसे वो फिश भी खाती है, नॉनवेज भी खाती है, और तीखा वगैरह खाना खाती है, प्लस वो अपने गाँव में भी गई थी तो जहाँ पे ज्यादा हॉट टेम्परेचर है, तो वो सब तो मैंने उसके आहार विहार को बोल दिया है कि वो सब बंद कर दे। एंड अभी मैंने ऑलरेडी 3 वीक्स का ट्रीटमेंट दिया है, तो सर अभी नए पिंपल्स तो आना बंद हो गए हैं उसको, तो सर बट वो जो एक्ने मार्क्स हैं जो पुराने, उसका पूरा फेस भरा हुआ है, जो काले काले ऑलरेडी धब्बे पड़ गए हैं, तो सर उसके लिए क्या देंगे? वो धीरे धीरे जाते हैं, उसके लिए यष्टि मंजिष्ठा का तेल जो है वो बहुत कारगर है। हाँ, वो एक्ने के मार्क्स है ना, देखो तारुण्य पिटिका है, तरुण वय में जो है वो पित्त का गुण प्राबल्य है, उष्ण गुण प्राबल्य है, स्निग्ध गुण प्राबल्य है, त्वचा ऑयली दिखती है ना, तो ये गुणों का प्राबल्य रहता है। इस एज में अगर आपने खान पान भी स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण ऐसा किया तो अभिव्यक्ति जो है उस गुणों की वो चेहरे पर ही होगी, ठीक है ना, तो वो तारुण्य पिटिका आ जाते हैं, तो उसके गुण विपरीत जो चिकित्सा है वो करने की। मार्स जो है वो अलग अलग लेप दिए हैं शास्त्र में, मंजिष्ठ जिसमें मंजिष्ठा है, अनंता है, हाँ, मसूर की डाल है, तो उससे ये लेप करने होता क्या है, ये वर्णेकर जो लेप है वो उष्ण पड़ते हैं कभी कभार और वापिस से पिटिका आ जाती है और फिर ये होते, तो पहले पिटिका जो पाक है ना पित्त का, कभी भी पित्तानुबंध वात हो, पित्तानुबंध कफ हो, ऐसी जो है तो शास्त्र ने सिद्धांत क्या है कि पित्त को आपको ये करना है, तो बहुत समय तक आपको पित्त पर काम करना पड़ेगा। हाँ, जो पाकावस्था है वो पूरी बंद होनी चाहिए उसकी, और उसके बाद उसका जो वर्ण पर काम करो, ठीक है। तो अनंता जैसी द्रव्य आप दोगे तो उष्णता नहीं बढ़ती और वर्ण अच्छा होता है पेट में। हाँ, अनंता शिरपाक हो या फिर अनंता हो, तो ऐसे द्रव्य आप दे दो, दुर्वा है वो वर्णेकर है, ऐसे पेट में दे दो, तो शीत गुण की और वर्णेकर ऐसे अगर द्रव्य दे दोगे हाँ तो अच्छा काम होता है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पित्त पर काम करना है, पाकावस्था पूरी तक पूरी रुकनी चाहिए। ठीक है सर, अभी उसका पाचन तो हो गया है सर, तो हाँ, अभी मैं यष्टि सारिवा का शीरपाक स्टार्ट कर दूं क्या सर उसको? हाँ, पेट में उसको चालू कर दो। हाँ, अभ्यंतर जो दवाई दे रहे वो भी अनंता ऐसी दवाई दे दो, रक्त पाचक ऐसे दे दो, और लेप जो है वैसे उस प्रकार से दे दो। पूरा आपको लगना चाहिए कि अभी पाकावस्था पूरी थम गई है, अभी नहीं आ रहे, आरक्त वर्णता नहीं है। हाँ, जो जो कुछ आ रही है पिटिकाएँ वो ऐसे जब लगे तब जाके फिर लेप धीरे धीरे चालू कर दो। हरिद्रा हर मंजिष्ठा ऐसे डायरेक्ट लगाने के बाद कभी कभी क्या होता है वो जो ये वर्ण जाता है पर पिटिका वापस से उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, तो कभी भी जो लेप दिया है ना त्वचा विकारों में, तो पहले क्या बोला है, आप अभ्यंतर पहले शुद्धि करो और बाद में लेप का प्रयोग करो, ऐसा ये सिद्धांत है, ठीक है। कभी भी तो झट से कभी भी कुष्ठ आया कोई भी आया, डायरेक्ट लेप लेप करो मत, पहले अभ्यंतर शुद्धि है वो पहले अच्छी करो। हाँ, और बाद में अगर लेप दोगे तो उसके रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है ना सर, वो एक्चुअली थोड़ी वातज भी है पेशेंट, तो अगर उसको जैसे दो तो पूरी स्किन ड्राई हो जाती है सर, तो मेंटेनेंस के लिए सर उसको अभ्यंतर क्या स्टार्ट? ये जो वर्णेकर जो है कुष्ठग्न जो है, हाँ, उसके गुरुत्व दे दो उसको अभ्यंतर सिद्ध बनाकर, या फिर गुरुत्व के साथ दे दो।
ठीक है सर, माह तिक्त ग्रोथ भी दे सकते हैं ना सर? हाँ दे सकते हैं। ठीक है सर, ओके थैंक यू। माँ माँ तिक्त ग्रोथ की तो फलश्रुति में सब है, कुष्ठ पीटिका बिटिका नाशक है ना, सभी उसमें आ जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके हेलो सर। बोलो सर। कल एक सर पेशेंट था कि उसको उसने ऑफिस में गया, वो नॉर्मल था तब, और सडनली ऑफिस से उसको उधर शूज स्टार्ट हुआ। मेल फीमेल था? मतलब मेल मेल पेशेंट ऑफिस में गया। कितना उम्र कितनी? उम्र है 45 इयर्स सर। और मॉर्निंग में सब मतलब उसका मल प्रवृत्ति सब साफ था। जैसे उसकी वाइफ का फोन आया, मुझे एक इमरजेंसी है तो आप आ जाइए करके, तो उसको पूरा मतलब आदमान था और सुबह मल प्रवृत्ति पूरा सब वो ठीक था। लेकिन जब उसने खाना खाने के उनका खाना ब्रेकफास्ट सब ठीक हो गया था, बीच में वो फ्रूट खाने की आदत है, तो उन्होंने वाटर मेलन जो कि सीजनल फ्रूट है अभी नहीं खाना चाहिए, वो खाने के बाद खाना खाया, वो खाया उसने खाने के बाद नहीं, वो 10-11 बजे आई थिंक 12 बजे वो खाते हैं, 12 बजे आई थिंक उसने खाया, वो बीच में फ्रूट खाने की आदत है लंच के पहले। मतलब वही ये जो कोई भी पेशेंट है वो अभी आजकल वैसे नहीं करते ना, कि हमें अभी जीर्ण हो गया आहार तो हम फिर वैसे नहीं रखते ना, वो ब्रेकफास्ट करते फिर फ्रूट खाते फिर लंच करते फिर स्नैक्स करते फिर इवनिंग में कुछ खाते, ऐसे चलता है। आगे क्या हुआ उनका सेटिंग? दोपहर दोपहर में पहले उसने सुबह नाश्ता किया है ना, फिर दोपहर के उसने लंच के पहले उसने फ्रूट्स खाए। उसने लंच के पहले वो वाटरमेलन खाया, उसके बाद तुरंत उसको वो शूल सिवियर स्टार्ट हुआ और आत्मान। फिर वो पेशेंट आया तो मैंने उसे सुच्छे खरवटी दी थी और हिंगू बचादी चूर्ण दिया था। ठीक है फिर भी उसका कम नहीं हुआ सर। और कुछ दिया था? हाँ फिर बाद में उसको मैंने लवण जैसे कि कोष्ठकत बातें करके मैंने लवण भास्कर भी दिया, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर वो पेशेंट बाद में हॉस्पिटल में ही गया था, उसके बाद गया, फिर वो स्कैन किया सब कुछ किया उसको पैंडी, फिर भी उसका पैन फूटी का इंजेक्शन दिया। ये ऐसे झट से होने वाले रुग्ण है वो अन्नावृत वात या फिर आमाशयगत वात ऐसे रुग्ण रहते हैं, तो आमाशयगत वात ये सब जो चिकित्सा आप देखोगे तो उसमें वमन देना है, शोधन देना है और बाद में षडधरण चूर्ण बीर्ण बोला है उन्होंने। हाँ क्योंकि क्या होता है औषध जो है वो भी नहीं पचता, ठीक है ना? हाँ ऐसा होता है, फिर वो औषधे काम क्यों नहीं करती ऐसा होता है ना, तो इसमें सब होता है। तो सद्यो वमन ऐसे अगर हाँ कुछ अभी 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 जो पेशेंट हुआ इनका दूसरे का जो अभी हमने सद्यो वमन कर लिए हैं डिस्कशन के समय, तो ऐसे हो गया ना तो वमन अगर हो रहा है उसको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि उल्टी जैसा होता ही है ऐसे पेशेंट को उल्टी जैसा थोड़ा, तो उनको सद्य वमन ही करना, तो जो आवृतत्व जो है ना आमाशय में वो चला जाता है, तो बाद में हम वो षडधरण चूर्ण वचा हिंगू कुछ भी वो सब दे सकते हैं, ठीक है ना? और क्योंकि अन्न का इतना बड़ा आवरण रहता है और वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, फिर श्वास अवरोध तक जाती है संप्राप्ति। सर अभी उल्टी जैसा नहीं था सर, बस उसके पेट में इतना मतलब वो फूल गया था, तो इसके लिए मैंने फिर वो की अनुलोमन होने के लिए वो चूर्ण दिए थे। देखो आमाशय कप का स्थान है और शूल है तो उसको स्वेदन देना बाह्य रुक्ष स्वेदन। हाँ ठीक है, आप एक चिकित्सा सिद्धांत है उसमें है सब कुछ वो, हाँ कि पक्वाशय में हो और आमाशय में हो तो क्या पहले क्या देना, अभ्यंग किस में पहले करना और स्वेदन किस में करना, तो आमाशय में क्या करना रुक्ष स्वेदन करना, हाँ ताप स्वेद करो या फिर कुछ भी करो, हाँ तो उसमें वो आवरण जो है निकल जाता है। ठीक है आगे हाँ अजमोदा का पोटली श्वेत करो, वालू का श्वेत करो, सैंधव का श्वेत करो, हाँ निर्गुंडी पत्र का श्वेत करो, शुंठी का श्वेत कर दो शुंठी से, तो एक इससे भी ये सब हो सकता है। कप का स्थान है वहाँ पे शूल है ना, तो चिकित्सा पहले स्थान की होगी। आगे सर वाटरमेलन खाया है उतना आप महाभूत प्रधान द्रव्य खाया है उसने, है ना? बराबर है ना, तो कफावृत्त ही सब कुछ संप्राप्ति बड़े होगी है ना, फिर भी वो अभी, और अभी भी सर वो, मैं बोलूं सर उस पेशेंट ने अभी भी उस
उसको अभी 2 दिन हो गए, उन्होंने पेन किलर भी लिया लेकिन अभी भी कम नहीं हुआ उसका। मैंने उसको बोला था कि आप बाद में आ जाएंगे, मैं आयुर्वेदिक दूंगी, लेकिन वो बाद में नहीं आए, वो एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट लेने चले गए और अभी भी उनका शुल्क कम नहीं हुआ है। ऐसा है। और उनका, हाँ, उनका स्कैन करने के बाद भी उनको वही साइकोलॉजिकल की अभी भी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैंने उनको बोला था आज आप कुछ खाना ही नहीं। फल जो है वो उसमें हम पतला मूंग दाल सूप ले सकते, फल जो है उस पर हम अग्नि संस्कार किए नहीं रहते, तो फल जो है वो गुरु हो जाता है आहार से भी, तो मॉडर्न में भी वो बहुत न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशियस इसलिए फल खाने वाले बहुत रुग्ण है, और आजकल के तो फल फल ही नहीं रहे है ना, तो वो अलग सी बात है। नेक्स्ट, चलो आज एक क्वेश्चन लेंगे, लास्ट बोलो सर। अपना एक केस डिस्कस करना। हाँ बोलो, एक दोनों के लूंगा मैं। सर अभी वो एक क्वेश्चन आपका एक्ने वाला। हाँ बोलो ना सर, अभी एक्ने वाला केस आया था ना। हाँ तो उसी से रेफरेंस में मैं अपना ही पूछने के लिए कर रही हूँ कि सर मेरा स्किन में ना सर बहुत ऑयली रहती है समर्स में, और ये रेनी सीजन था तो बहुत ऑयली रहती थी, तो बहुत ज्यादा फेस मतलब वॉश करने पर भी साफ ही नहीं होता था, ग्रीजीनेस रहती थी। अभी थोड़ा सा विंटर्स आए तो थोड़ा सा कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी फिर से होने लगा। और सर वॉश ज्यादा उसको वॉश करिए तो फिर वो स्किन थोड़ी सी ड्राई सी लगने लगती है। आपको ड्राई चाहिए कि ऑयली चाहिए स्किन? जी सर, स्किन ऑयली चाहिए कि ड्राई चाहिए? नहीं, टेक्सचर तो सर ऑयली है और उसकी वजह से सर दाने निकलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पिटिकाएं जैसी हो जाती है, और इस समय फिर से हो रही है सर। डिटेल डाल दो ना, डाल दो डिटेल। क्लेद दुष्टि है तो ये ऐसे पिटिकाएं निर्माण होती है, तो वो क्लेद अगर नष्ट करना हो त्वचा का ऊपर का वो दुष्टि नष्ट करना, तो लोध्र बहुत अच्छा काम करता है लोध्र। तो डिटेल कैसे से डाल दो ग्रुप में। क्या होता है, चेहरा ऑयली नहीं होना चाहिए, उसलिए बार बार साबुन से उसको ड्राई कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, ये भी गलत है। हमारे इसमें शास्त्र में अभ्यंग बोला है, ठीक है, तेल ऑयली रहनी चाहिए, नेचुरल ऑयल आना चाहिए, पर बार बार वो साबुन से धोकर चेहरा क्या हो जाता है, शरीर वहाँ ज्यादा स्निग्धता ज्यादा फेंकता है, वो ज्यादा फेंकता है इसलिए वो ज्यादा धोते हैं, है ना सर, मुल्तानी मिट्टी में वो मूंग की। हाँ, तो ऑयली है इसलिए पिंपल्स आते हैं, ऐसा नहीं है क्लेद दुष्टि है, मेद दुष्टि है, कुष्ठ की संप्राप्ति है, ऐसा है इसीलिए पिंपल्स आते हैं। हाँ जी ठीक है। बोलो नेक्स्ट। हाँ बोलो सर, एक पेशेंट है 50 इयर्स का, तो सर उसको ना मुंह पूरा खुलता नहीं है उसका, मतलब दो जो अपनी अंगुली है ना उतना ही खुल पाता है, तो उसके बेटे को भी वैसे, उसका बेटा 16 साल का है सर, तो उसके बेटे को भी सेम प्रॉब्लम है, तो उसको भी, लेकिन वो जो पिता है तो उसका ऐसा कहना है कि मुंह तो नहीं खुलता लेकिन विद इन अ सेकंड के लिए ऐसे चमक निकलती है मतलब फेस पे, और दर्द उधर चला जाता है। बचपन से है क्या, कैसे है सर? पेन बचपन से नहीं था लेकिन जो मुंह नहीं खुलता वो बचपन से है सर। तो सहज हो गई विकृति, तो ठीक होने के लिए कठिन है, फिर भी हम यष्टि मधु तेल जो है उसका गंडूष कर सकते हैं। त्वचा की जो ये जो इलास्टिसिटी है, स्निग्धता है, मृदुता है, वो मेद धातु से आती है, ठीक है। हाँ हमारे गाल है वो मेद बाहुल्य है, उसपे भी है मेद भी है, तो यष्टि तेल का गंडूष करोगे तो देखो कितना उसको फर्क पड़ता है, पर सहज है तो कठिन है। ओके सर। सर उसके बेटे को मतलब उनका कहना था कि अभी जो मतलब 13-14 साल का था तब ठीक था, लेकिन उसके बाद से अभी उसकी एज 16 साल है, तो ये 2-3 साल में उसको ऐसे हुआ है, उसका ऐसे कहना। तो चालू कर दो यष्टि मधु तेल का गंडूष कर दो, गर्म करना तेल यष्टि मधु का, और मुंह में पकड़ के रखना, तो उससे वो हो सकता है। ओके सर। सर और एक पेशेंट है, मतलब स्टूडेंट है अपनी, तो उसका एंडोमेट्रियोसिस का ऑपरेट हुआ है अभी 1 महीने पहले सर, कि उसकी स्टेज थी कि उसको सीवियर पेन हुआ, अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रही थी लेकिन उससे रिलीफ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने मतलब एलोपैथी वालों को दिखाया, एंडोमेट्रियोसिस बताया, तो उसका ऑपरेट हो चुका है सर, तो अभी वो अपने पास ट्रीटमेंट को आना चाहती है,
तो सर अभी उसको तकलीफ कुछ नहीं है, पेन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उसका रिकरेंस ना हो और सामने कुछ प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए वो आना चाहते हैं सर। तो उसके बारे में कैसे सोचे सर? उसके हेतु ले लो, उसका आहार विहार कैसा है वो दे दो। हाँ देख लो, हाँ तीक्ष्ण उष्ण ऐसा आहार विहार है उससे वो सब कुछ हुआ है, तो आप योनि पिचू के लिए जो तेल यूज करने वाले हैं तो उस हिसाब से तेल यूज करो, यष्टि तेल का योनि पिचू ऐसा कुछ को ये करो। उसका आहार विहार वात कफज ऐसा कुछ है, उसके उसका आहार विहार कैसा है उसके हिसाब से, उसका व्यवसाय कैसा है उसके हिसाब से जो है योनि पिचू जो है वो उसको नित्य धारण करने बोलो। ओके सर, ठीक है ना। डी एंड सी किया जिसने, देखो डी एंड सी जिसने किया है, हाँ ऐसे जो रोग रहते हैं क्योंकि आमगर्भ जैसे रहेंगे जो जिसका एबॉर्शन हुआ है, तो गर्भाशय को क्षत हुआ है ये ध्यान में रखो, है ना। हाँ डी एंड सी भी हुआ है तो ये क्या है, व्रण हुआ है, तो व्रण हुआ है तो व्रण का विचार करना है कभी भी। हाँ हाँ, और आशय आशय उसका अच्छा होने के लिए व्रण व्रण जो है व्रण का शोधन अच्छा होना चाहिए, व्रण का रोपण अच्छा होना चाहिए। इस हिसाब से उसको चिकित्सा करो। और एक क्वेश्चन पूछो सर। कुछ कुछ पेशेंट में फ्रिक्वेंटली सपने आते हैं, तो उसका मतलब कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड रहता है या फिर अपना मतलब दोष से रिलेटेड, और उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। सपने जो है वो कैसे बोले हैं, उसका एक श्लोक है। क्या है उसकी श्लोक की शुरुआत है, ठीक है उसका मैं अनुवाद बताता हूँ। वो जो क्या है कि हम क्या सोचते हैं, स्मरणम दोषम, तो सात प्रकार के स्वप्न बोले हैं। हाँ तो उसमें दोषज भी रहता है जो हम व्याधि के हिसाब से देखते हैं। हाँ वातज रुग्ण को कैसे सपने पड़ेंगे, हाँ आकाश आकाश में संचारवत सपने पड़ते हैं या फिर बिल्डिंग से कूद रहे हैं ऐसे सपने पड़ते हैं। पित्त प्रधान व्याधि में, पित्त प्रधान प्रकृति में अग्नि के स्वप्न पड़ते हैं, हाँ किसी को मार रहा है ऐसे स्वप्न पड़ते हैं। कफ प्रधान में पानी में डूब रहा है या फिर ऐसे सपने पड़ते हैं। हाँ तो ये दोषज हो गए। कई स्वप्न है वो हम जो सोचते हैं उस हिसाब से पढ़ते हैं, कई स्वप्न जो है वो आगे क्या होने वाला है उसका इंडिकेशन इस प्रकार से पढ़ते हैं। हाँ ऐसे बहुत से चीज़ें हैं स्वप्न के लिए। तो सप्तम सप्तविदम विदु, सात प्रकार के स्वप्न बोले हैं। एक मिनट, हाँ दृष्टम श्रुतानुभूतम च, हाँ दृष्टम श्रुतानुभूतम च प्रार्थितम कल्पितम तथा भाविकम दोषजम च एवं सप्तम स्वप्न विदो विदु ऐसे बोला है। हाँ तो जो हम सुनते हैं उसका कभी कभी सपना पड़ता है, हाँ जो हम देखते हैं दृष्टम, हाँ उसके कभी कभार सपने पड़ते हैं कि सुबह मैंने ये देखा और मुझे वो बहुत सी मन को लग गई चीज़, तो उसका सपना पड़ना। प्रार्थितम, हमने कुछ सोचा है, हाँ कुछ कल्पना की है उसके सपना पड़ते हैं, कल्पना की है उसके सपना पड़ते हैं। और दोषज स्वप्न है जैसे राजयक्ष्मा में वो अस्थि का जो पर्वत है उस पर चढ़ रहा है, भस्म के पर्वत पर चढ़ रहा है, या फिर खाने में स्वप्न में गंदी चीज़ें आ रही हैं, हाँ ऐसे स्वप्न पड़ते हैं। कई स्वप्न है वो अरिष्ट सूचक रहते हैं, हाँ वो पड़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग है, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा कुछ पेशेंट बोलता है और वैसे ही वो व्याधि होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, पर वो पूछना चाहिए। हमारे जो कोश रहते हैं अन्नमय कोश प्राणमय कोश, हाँ तो जो हमारा ये देह है ये अन्नमय कोश है, और जो मनोमय कोश रहता है ये मनोमय जो अभी ये आयुर्वेद में नहीं है, ये दूसरा शास्त्र का मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने बोला है ये मनोमय जो कोश है वो सृष्टि निर्माण करता है, हाँ हाँ एक सृष्टि निर्माण करता है और वो सृष्टि हम देखते हैं। तो ये मनोमय कोश रहता है, इस पर बाकी बहुत सी चीज़ों का प्रभाव रहता है। अभी इस पर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक अलग से ये लेना पड़ेगा। पर वो जो मनोमय कोश है उस पर पूर्व जन्म का, अभी के जन्म का, संचित का, कर्माश्रय का, ये इनका उस पर प्रभाव रहता है। और फिर उस प्रभाव के हिसाब से वो कभी कभी इंडिकेशन देता है, कभी कभी व्याधि के हिसाब से, कभी कभी पूर्व जन्म के हिसाब से ऐसे इंडिकेशन देता है, और वो सृष्टि निर्माण करता है और उस सृष्टि में हम चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा उसका बहुत व्यापक विचार है वो स्वप्न का।
उस पर बहुत रिसर्च चालू है स्वप्न के बारे में, थॉट्स के रिलेटेड ही ज्यादातर रहता है, मतलब जो थिंकिंग रहता है उसके हिसाब से ही ज्यादातर रहता है। वही बोल रहा हूँ ना, कभी कभार सिंपल रहता है, इतना बड़ा कुछ नहीं रहता कि सुबह कुछ देखा है उसका इम्पैक्ट पड़ा है वो स्वप्न में आएगा। कभी कभार आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए तो स्वप्न में आता है, कभी कभार मतलब वो इच्छा बताते कि मतलब जो डेली ऐसा मतलब रोज का नहीं, कुछ अलग ही ऐसे कभी कभी भयानक ऐसे। हाँ तो वही तो वही वही रहता है, तो ये यही तो हाँ। चीजें है ना, तो इसका बहुत सी पढ़ाई है उसके बारे में, वो बहुत रिसर्च चल रहे है उसके बारे में। हाँ पर ऐसे नहीं है कुछ, हाँ उसमें स्टडी है, ठीक है, तो उसको रिलेट करना आना चाहिए। अरिष्ट है क्या या कुछ इंडिकेशन है क्या, तो ये रिलेट करना आना चाहिए। अरिष्ट में तो हमें बहुत से सपने दिखते हैं, जैसे अपने स्पाइडर का जो ये है जाली है वो दिखना, ठीक है, ऐसे दिखना कि बाबा पैर मेरे पैर पैरों पे शोथ आया है, हाथों पे शोथ आया है, ऐसे स्वप्न में दिखना, हाँ ऐसे बहुत से अलग अलग स्वप्न है। हाँ तो कई स्वप्न जो है वो रिलेट करे, शास्त्रकारों ने उसका भी उसकी भी पढ़ाई की है, हाँ कि कौन से स्वप्न दिखने चाहिए कौन से नहीं दिखने चाहिए, स्वप्न में ये वस्तु दिखनी चाहिए ये वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, जो इसका स्वप्न है ये किसमें आपको एक इसमें नहीं है, हमारे इसमें संहिताओं में नहीं है, पर जो 3 से 6 बजे का स्वप्न है तो वो बुरा अगर स्वप्न पहले पड़ गया और उसके बाद अच्छा स्वप्न पड़ गया तो वो बुरा स्वप्न ये सच नहीं होता, हाँ ऐसा ऐसा है। हाँ तो ये बहुत से उसमें पढ़ाई है, वो एक अलग टॉपिक है स्वप्न के बारे में। ऐसा तो फिर हम ऐसा मेडिसिन कुछ इंक्लूड कर सकते नहीं, हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पर इस पर विचार करते हैं प्रैक्टिस में कि हम क्या करते हैं, निद्रा अच्छी होनी चाहिए वो देखते हैं, कोई कल्याणक व्रत हो ब्राह्मिक व्रत हो वो देखते हैं, पर ये तो है पर वो सपना ऐसा क्यों पड़ा, हाँ शिरोधारा है ये, पर उसको रिलेट करना आना चाहिए कि उसको ऐसी काली ही चीज़ क्यों दिख रही है स्वप्न में, उसको ऐसे ही क्यों, कई कईयों को एक ही चीज़, अभी मेरे पास परसों पेशेंट आया था वो वाम कुक्षी पर सोने के बाद उसको अच्छे स्वप्न पड़ते थे और दक्षिण कुक्षी पर सोने के बाद उसको बुरे सपने पड़ते थे, तो मैंने वो मार्क करके लिखा है वो केस पेपर, तो इसका मतलब क्या है ऐसे केस लेनी चाहिए आपको कि स्वप्न कैसे पड़ते हैं, तो उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। टिपिकली स्वप्न क्यों पड़ रहे हैं, ये कोई व्याधि का पूर्वरूप तो नहीं है ना, कोई व्याधि का इंडिकेशन नहीं है ना कि ये व्याधि होने वाली है, तो ये भी देखना चाहिए क्योंकि कभी कभार पड़ गया तो ठीक है, पर रोज एक ही सपना दिख रहा है एक ही तरीके से दिख रहा है तो उसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक बार पेशेंट आया था और एक मैंने वो बोल दिया था इस एक डिस्कशन में, कैंसर का पेशेंट था और उसको मैंने आमाशय गतवात ऐसे उसको ये आई था, कैंसर था और उसने वो मॉडर्न की कोई ट्रीटमेंट ली नहीं थी, तो वो ट्रीटमेंट पे चल रहा था ठीक था, खाने पीने लगी थी वो अच्छा हो गई थी, तो उसको वो एक बार ऐसे घूमने गई और जहाँ नहीं जाना चाहिए, हाँ जो शास्त्र में कई स्थान दिए हैं कि ये इस स्थान में नहीं जाना चाहिए रात को, तो उस स्थान पे ऐसे वो जाकर आई और उसके बाद उसको एक रात को ऐसा सपना पड़ा कि वो एक ब्लैक टेबल पर खड़ी है और उसके ऊपर उसने जंप मारी और वो गिर गई और वो डर के मारे उड़ गई वो सपना देखकर। अब ये ऐसा उसको 3-4 बार एक ही सपना देखा, उसके घर में ब्लैक कलर का टेबल नहीं था, हाँ उसके जो घर में ऐसा कोई टेबल है ही नहीं था कि बाबा वो सुबह देख रही है, ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर मैंने वो डिटेल केस हिस्ट्री लेकर उसको उसने बताया वो अमित जो उसका लड़का है उसको पूछा था मैंने कि बाबा ऐसा वो कहाँ ऐसे घूमकर गई थी क्या, हाँ कहाँ गई थी या फिर ऐसे स्थान पर गई थी क्या, तो फिर उसने बोला कि वहाँ जाने के बाद ही ये सब चालू हो गया। तो सपना कब पड़ता है, सपनों में कौन सी चीज़ आती है, वर्ण कौन सा आता है, उसके हिसाब से वो मैंने अपने ग्रंथ में दिया है, वैसे कृष्ण तिलक जो है उसको छिड़कने बोले थे और उसका तेल का जो दिया है वो लगाने के लिए बोला था, और जिस समय जिस दिन वो लगाया ना उस दिन सपना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा रिलेट करना आना चाहिए, हाँ दोषों के हिसाब से
हाँ ग्रहों के हिसाब से करना आना चाहिए। हाँ बाकी ऊपर ऊपर तक हम शिरोधारा ब्राह्मी विमी ये सब दे सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे एक ही केस हुई थी, ऐसा ज्यादा नहीं है अनुभव ऐसे। पर मैं पेशेंट को देखता हूँ, ये भी पूछता हूँ कि कौन से सपने पड़ते हैं ऐसे, तो ऐसे टिपिकल बोलते हैं कई कबार पेशेंट कि मुझे यही सपना पड़ता है, ऐसे ही पड़ता है, इसी टाइम ही पड़ता है और पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे होता है। अगर इसमें कुछ आपको कनेक्शन लग रहा है कि कुछ टिपिकल कनेक्शन लग रहा है तो नोट करते जाओ, है ना, और उसकी पढ़ाई करते जाओ। इंद्रिय स्थान में जो अध्याय वो पढ़ो। अभी आपने बोला वो कलर पूछना, ये तो हमारे ध्यान में मतलब आएगा, हाँ ना, कहा या फिर ऐसा पूछना चाहिए, ये भी ऐसा पता नहीं चलता कि चीजें भी रहेगी ऐसा। एक हमारा अलग सी पढ़ाई ऐसे करके करना सभी, ये भी सिर्फ इतना मत पूछो कि आहार विहार, सपने भी पूछना है ना, क्योंकि इतने सब व्याधि होने के बाद एक सबकॉन्शियस जब रहता है इंसान, तब वो क्या सोचता है, तब वो क्या एक्चुअली उसकी बॉडी क्या सोचती है, कौन सी सृष्टि निर्माण करती है, तो है ना, तो व्याधि के परे कुछ हो सकता है ना, तो ये भी सोचना पड़ता है कभी कभार। ऐसे ठीक है, ओके ओके धन्यवाद सर। अगर सांप सांप या जानवर अगर कुछ आते हैं ज्यादा सपने में तो उसका क्या इंडिकेशन होगा? अभी क्या है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हाँ फिर भी कौन से प्राणी आते हैं, हाँ उसका भी ये सब वर्णन, पर्टिकुलरली सांप, हाँ पर्टिकुलरली सांप नहीं, अभी क्या है सांप सपने में आना, हाँ उल्लू सपने में आना, ऐसे इसके जो है वो ये दिए है कर्म क्या है, उसके क्या उससे क्या उत्पन्न होगा, दिन कैसा जाएगा, पर वो सिर्फ उस उतना नहीं रहता, समझ में आ रही बात कि एक बार सपने में सांप आ गया फिर ऐसे नहीं, बार बार दिखाई देता, तो क्या है कर्म सिद्धांत जो एक संहिता है तो उसमें दिया रहता है कि हमारा जो पूर्व जन्म है, अभी ये क्या होगा 12 बजे तक हमारा डिस्कशन चलेगा, ये मैं बोलती जाऊंगा तो तो शरीर जो है हमारा ये अन्नमय जो कोष रहता है, देखो हमारे शरीर में आत्मा का स्थान है, आत्मा रह रही है तो वो बाहर की एंटिटी है, हाँ ठीक है, उसका काम है छोड़ना शरीर कभी तो, पर इतने सालों से इस शरीर को धारण कर, इस ये शरीर आत्मा को धारण करता है, फिर आत्मा शरीर को धारण करती है, तो मरने के बाद इतना इजीली थोड़ी होगा आत्मा को ये शरीर छोड़ना, बराबर है ना, वो शरीर के प्रति आसक्त रहती है ऐसा बोला है। तो ये आसक्ति बहुत समय तक रहती है, ये हमारे शास्त्र में नहीं है, अन्य शास्त्र की मैं बोल रहा हूँ चीज़ें। तो फिर क्या होता है, अभी क्या बोलूँ मैं आपको, तो हम दहन करते हैं तो हम क्या करते हैं शरीर वो अन्नमय कोष जलाते हैं ताकि वो आसक्ति जाए और उसको दूसरी योनि मिले, ठीक है, पर कभी कभार क्या होता है वो आसक्ति बहुत ज़्यादा रहती है, किसी इंसान को वो अपना जो अन्नमय कोष है अपना देह है बहुत पसंद रहता है, उसको नहीं छोड़ना रहता है, उसको उसमें ही रहना, उसको लगता है कि मैं इसी अन्नमय कोष के साथ रहूं, तो ऐसी आत्माएं, हाँ इसको आप विश्वास करो या ना करो, मैं शास्त्र का बता रहा हूँ, हाँ ऐसी आत्माएं सालों साल मीन सौ साल कोई योनि में नहीं जाती, हाँ ऐसे बोला है, ठीक है, वो क्या करती है, वो इंतज़ार करती है कि कोई मुझे कनेक्शन कनेक्ट करे, ठीक है, हेलो यस सर, हाँ तो फिर कभी कभार क्या होते हैं वो जब हमारा शुक्र शनि तो संयोग हो जाता है और फिर आत्मा वो गुण लेकर पहले के गुण लेकर जो आ जाते हैं तो कभी कभार वो जो आसक्ति है वो रहती है, ठीक है, और फिर सपने वैसे इंडिकेट करते हैं। अब ये कितना आप उस पर विश्वास रखोगे मालूम नहीं है, पर ये सब होता है, ठीक है, इस पर बहुत रिसर्च चालू है, ठीक है, ऐसे पुनर्जन्म और इस पर, ठीक है, ऐसे तो ये होता तो है ही, पुनर्जन्म होता ही है, हाँ होता ही है, वही तो आप मानो या ना मानो, जैसे कोई मानेगा कि नहीं मृत्यु नहीं है, पर क्या उसके मानने से वो मृत्यु तो आएगा ही ना, ऐसे
ऐसे तो कईयों को ऐसे होता है, कई अब देखो कई 3 साल का 5 साल का बच्चा संगीत के सभी राग बजाता है ना, जिसको करने के लिए उसको 15 साल लगने चाहिए। तो ऐसे कई अन क्या बोलते हैं, जिसको आप कारण नहीं दे सकते हो मॉडर्न साइंस में, ऐसे बहुत सी चीज़ें दुनिया में हो गई है ना। व्हाइट हाउस में अभी भी कई इनको अब्राहम लिंकन दिखते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। अब वो तो कितने फॉरवर्ड मॉडर्न लोग हैं, है ना, हम तो ठीक है, चलो उनको भी दिखते हैं ऐसा। तो ये आसक्ति जो है ना, वो उस पर ये सब कुछ होता है। तो ये बड़ा अलग सा टॉपिक है, उस पर विश्वास, देखो क्या आप हंस सकते हो उस पर, उस टॉपिक पर जो है वो है ना, उसका अभ्यास है। ऐसा ही ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, सर काफी आपने क्लियर किया, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, ओके।